हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेज में स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? ऑप्शन ए खांचों की सफाई, ऑप्शन बी बाइंडिंग निकालना, ऑप्शन सी वेवेज निकालना, ऑप्शन डी बाइंडिंग तार काटना। तो ऑप्शन सी सही है, वेवेज को हटाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आसान कामकाज, ऑप्शन बी रिमोट ऑपरेशन, ऑप्शन सी सटीक ऑपरेशन, ऑप्शन डी आपातकालीन ऑपरेशन। तो इसका सही आंसर है रिमोट ऑपरेशन, ऑप्शन बी सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले तार का नाम क्या है? ऑप्शन ए ACSR, ऑप्शन बी अल्मोनियम, ऑप्शन सी जस्तीकृत लोहा, ऑप्शन डी कठोर तांबा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए फ्रेंड्स। तो इसका सही ऑप्शन ए है ACSR। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। AC और DC आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रीड रिले, ऑप्शन बी इंपल्स रिले, ऑप्शन सी थर्मल रिले, ऑप्शन डी क्लैंपर प्रकार आर्मेचर रिले। तो इसका सही ऑप्शन है आवेग रिले, इंपल्स रिले, ऑप्शन बी सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का लोड जी श्रेणी MCB द्वारा सुरक्षित है? ऑप्शन ए ओवन, ऑप्शन बी गीजर, ऑप्शन सी एयर कंडीशनर, ऑप्शन डी सामान्य प्रकाश व्यवस्था। तो इसका सही ऑप्शन है एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर, इसका ऑप्शन सी सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, OH कंडक्टरों पर त्वचा के प्रभाव का क्या होगा अगर कंडक्टर का व्यास छोटा है? ऑप्शन ए नगण्य हो जाता है, ऑप्शन बी अधिकतम तक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी कोई असर नहीं वही रहता है, ऑप्शन डी मान आधा घट जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, नगण्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए लाइन कंडक्टरों का सहारा देना, ऑप्शन बी ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर पकड़ना, ऑप्शन सी कंडक्टरों के बीच शॉर्ट सर्किट से बचा जाता है, ऑप्शन डी सहारे के बीच कंडक्टर शिथिलता को कम किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का तार प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? ऑप्शन ए दो फेज चार तार, ऑप्शन बी दो फेज तीन तार, ऑप्शन सी सिंगल फेज दो तार, ऑप्शन डी तीन फेज तीन तार। तो सही आंसर है तीन फेज तीन तार, ऑप्शन डी सही है, तीन फेज तीन तार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए पिन इंसुलेटर, ऑप्शन बी डिस्क प्रकार इंसुलेशन, ऑप्शन सी साइकिल प्रकार इंसुलेशन, ऑप्शन डी निलंबन प्रकार इंसुलेशन। तो इसका सही आंसर होगा निलंबन प्रकार इंसुलेटर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए
पिन इंसुलेटर, ऑप्शन बी पोस्ट इंसुलेटर, ऑप्शन सी स्ट्रेन इंसुलेटर, ऑप्शन डी साइकिल इंसुलेटर। सही ऑप्शन डी है, साइकिल इंसुलेटर। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।